जैसा कि हमने एपिसोड 1 में जाना कि हमारे इस ड्रामे की मेन फीमेल एक्टर्स का नाम सोयुंग है और वह एक प्रिंसेस विडो है जिसका हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं रहा। वही बात करें हमारे इस ड्रामे की मेन एक्टर्स का जिसका नाम वो है और वो एक आम इंसान है और वो उसका एक 10 साल का बेटा भी है और उसकी बीवी अभी इस दुनिया में नहीं रही। वो अपने दोस्त के साथ मिलकर शाही महल से विडो औरत को बाहर लाता है जो अपनी ज़िंदगी फिर से जीना चाहती हैं। वही हम देखते हैं कि वो फिर से अपने दोस्त के साथ मिलकर किसी विडो औरतों को शाही महल से बाहर लाने जाता है जहां वह गलती से हमारे इस ड्रामे की मेल फीमेल एक्ट्रेस सोयुंग को किडनैप कर ले आता है और यहां हमारा एपिसोड 1 ख़त्म होता है। चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड नंबर 2 की कहानी। सोयुंग के पिता जैसे ही इनको बातों का पता चलता है कि प्रिंसेस शाही महल में नहीं है तो वो सभी सिपाहियों को हुक्म देते हैं कि वो कैसे भी करके सोयुंग को वापस ढूंढ के लाए और साथ ही वो हुक्म देते हैं कि ये बात महाराजा को पता ना चले कि सोयुंग अब शाही महल में नहीं है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि वो महाराजा के पास जाते हैं और वो महाराजा से बात कर रहे होते हैं। तब हमें यहाँ पता चलता है कि महाराजा का बेटा जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा वही सोयुंग का हस्बैंड था। सभी सिपाही सोयुंग को हर जगह ढूंढने लगे थे और हम देखते हैं कि मिस सोयुंग और वू के बेटे की एक अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो आपस में काफ़ी अच्छे से रह रहे थे। तभी हम देखते हैं कि मिस सोयुंग की दोस्त जो कि उसके साथ शाही महल में रहा करती थी उसको राजा किडनैप कर कुछ समझा रहे होते हैं और यहाँ पता चलता है कि वो जो उसकी दोस्त रहती है वो अपनी बातों से मना कर रही होती है कि वो चीज़ नहीं करेगी। काफ़ी समझाने के बाद भी उसकी दोस्त नहीं मानती और वो उस चीज़ के लिए जो राजा समझा रहे थे वो करने से मना कर देती है। यहाँ हम देखते हैं कि महाराजा की बीवी मिस सोयुंग से मिलने आती है जहाँ सोयुंग के पिता ने पूरे गाँव में भर में ये अफवाह फैला रखी थी कि मिस सोयुंग अभी इस दुनिया में नहीं रही, उन्होंने खुद को आत्महत्या कर लिया है। वही हम देखते हैं कि ये बात सोयुंग के भाई को पता चल जाती है और वो अपना हर काम छोड़ के मिस सोयुंग की ओर भागा चला आता है और हम देखते हैं कि सोयुंग का पिता यानी कि जो राजा होता है वो एक अच्छा इंसान नहीं होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि मिस सोयुंग को अब मारने का ऑर्डर दिया गया होता है जहाँ पर सब लोग सोच रहे होते हैं कि मिस सोयुंग को मार दिया जाए। वहीं मिस्टर वो मिस सोयुंग की रक्षा कर रहा होता है। अब वो उसे शाही महल ले गया होता है लेकिन वहाँ उसे पता चलता है कि अब सभी कोई मिस सोयुंग को मारने के पीछे पड़ा है, इसलिए वो मिस सोयुंग को वहाँ से बाहर भगा कर ले जाने लगता है। तभी वहाँ पर मिस सोयुंग और वो को एक शाही महल का सिपाही देख लेता है और वो उन्हें मारने पीछा करने लगता है। वो तभी वहाँ पर मिस सोयुंग का भाई वहाँ आता है और उन्हें बचा लेता है और तभी मिस सोयुंग का भाई मिस वू के ऊपर तलवार घिस देता है और उसे मारने लगता है। तो यहाँ पर हमारा एपिसोड 2 ख़त्म हो जाता है।